नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पूजा सिंघल कार्रवाई मामले पर सत्ता पक्ष रघुवर दास पर कहीं गुम हो जाने का आरोप लगा रहे थे। आज प्रदेश कार्यालय में रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की। कहा, हेमंत सोरेन के महासागर में उनके लूटे रत्न को खोजने में लगा था। राज्य को लूटने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, उनकी साली पर कई आरोप लगाए। कहा, 2009 में अरगोड़ा में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर दो जगहों पर महत्वपूर्ण जमीन अपने नाम करवाया गया। 13 कट्टा और 17 कट्टा आदिवासी के जमीन पर डीड में अपने पति के नाम के बदले अपने पिता का नाम दिया है और गलत तरीके से जमीन अपने नाम किया। हेमंत सोरेन की साली के नाम से 2 कंपनियां चल रही हैं। अवैध कमाई को खपाया जा रहा है। इस सभी मामले की जांच की मांग को लेकर कल बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग करेगा। अढ़ाई वर्ष की सरकार में विकास था। तो मैं आप सबका समाचार पत्र का कटिंग भी लाऊं कि अढ़ाई वर्ष में क्या क्या हुआ। बालू, पत्थर, कोयला, क्या हुआ? डेली आप दिखा रहे, डेली लिख रहे, और सिर्फ समाचार पत्र नहीं, अभी हाउस चल रहा था तो हाउस में भी सभी माननीय विधायकों ने इस प्रश्न को उठाया। मैं अगला 25 अप्रैल को कहा था कि दुमका में डीएफओ ने तीन जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में कोयला डेली 1 करोड़ रुपया कोयला रात में आज भी निकल रहा। जिला बदतर करने का आज तक जिला बदतर नहीं हुआ। रामगढ़ में डेली सैकड़ों ट्रक रात के अंधेरे में कोयले निकल रहे हैं और उस कोयले निकालने में हेमंत सोरेन जी का सिपा सलाहकार, वहां के जिला अध्यक्ष श्री किस्कू, तथा बॉडीगार्ड मिला हुआ। तो जितने अवैध खनन चल रहे हैं ये माननीय हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। उस समय तक साक्ष्य नहीं मिला था, कल ईडी को साक्ष्य मिला, अभियुक्त बना के नहीं, कोर्ट भी फैसला लेता है साक्ष्य क्या था, सरकार भी फैसला लेता है साक्ष्य क्या था, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट है जिसमें कहा गया है कि जांच कराना, तो किसने रोका है? अढ़ाई साल हो गया सरकार को, 5 साल तो आपकी सरकार थे। मेरी सरकार ने जांच चल रहा है ना, तो उसका प्रतिफल देख रहे हैं। हमने आपराधिक मामला कहाँ रोका? अरे नहीं, केंद्र कहाँ, हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने किया। किसने कहा आपको केंद्र का? केंद्र में कोई योगदान नहीं है इसका, इसीलिए आपको जानकारी रखो भैया। हाईकोर्ट में इंटरफेयर होने के बाद ईडी मामला लिया, उसी में राम विरोध सिन्हा गिरफ्तार हुआ, राम विरोध सिन्हा का बयान आया पूजा सिंघल के खिलाफ, तब पूजा सिंघल का साक्ष मिला, तब कल अभी दो तरह के मामले चल रहे थे, एक आपराधिक मामले, दूसरा विभागीय कार्रवाई मामले। आपराधिक मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चलने के कारण ही ये जो 3-4 दिन से आप फिर देख रहे हैं वो देख रहे हैं। विभागीय कार्रवाई में अर्ध जुडिशली होता है और एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तब तक उनको हमें लगता है उस कमेटी को साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने सरकार के पास लाया, इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री का कोई भूमिका नहीं हुई। फिर भी मैं सरकार को चुनौती देता हूं, इतना ही आप भ्रष्टाचार से बहुत चिंतित है कि सारे मामले को 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सुपुर्द कर, है हिम्मत तो दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।